दो दो बच्चा है, बीबी है, एक बहन है, वही कमा के खिलाता था। एक बार फिर दिखी पुलिस प्रशासन की नाकामयाबी, कानूनी नियमों के साथ हुआ खिलवाड़। मोबाइल चोरी के संदेह में व्यक्ति को उतारा मौत के घाट। जिस तरह देश में कुछ लोग बेखौफ होकर बड़बड़ता के साथ कानून के नियमों को ताक पर रखकर लोगों की जानें ले रहे हैं, ये सचमुच बेहद शर्मनाक है। सरकार व पुलिस प्रशासन की नाकामयाबी का बड़ा उदाहरण है। एक ऐसा ही मामला कोलकाता के बेलगछिया से सामने आया है, जो पुलिस प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है। बताया जा रहा है कि बहुबाजार के उद्यान हॉस्टल में रहने वाले 20 छात्रों ने मिलकर मोबाइल चोरी के संदेह में एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी। मृतक का नाम मोहम्मद इरशाद बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 35 से 40 वर्ष के बीच थी। वो चांदनी चौक में टीवी मैकेनिक के सहायक के रूप में काम करता था। उसकी आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, वो किसी तरह अपने परिवार का बस गुजर बसर कर रहा था। वो अपने परिवार में कमाने वाला इकलौता इंसान था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, दो बच्चे व एक बहन है। मोहम्मद के मौत के बाद उसके परिवार की जिंदगियों पर अब गरीबी का घनघोर अंधेरा छा गया है। स्थानीय लोगों व करीबियों का कहना है कि मोहम्मद की मौत वाले दिन सुबह 8:30 के करीब उसके मालिक को मोहम्मद का फोन आता है। घबराते हुए आवाज में वो अपने मालिक से 10,000 रुपए लेकर उद्यान हॉस्टल में आने के लिए कहता है। वो कहता है कि अगर वो पैसे लेकर नहीं आए तो कुछ लड़के उसकी जान ले लेंगे। बस फिर क्या था, जिस बात का डर उसे सता रहा था ठीक वही हुआ। उन छात्रों ने मोबाइल चोरी करने के संदेह में मोहम्मद को हॉस्टल के अंदर इतनी बुरी तरह पीटा कि कोलकाता मेडिकल हॉस्पिटल में कुछ देर बाद ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मोहम्मद की मौत से ठीक 2 दिन पहले कुछ छात्रों ने पुलिस थाने में मोबाइल चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मोहम्मद की पत्नी का आरोप है कि पुलिस पहले मामले की FIR भी दर्ज नहीं कर रही थी। बाद में किसी तरह पुलिस ने मामले की FIR दर्ज की और उन छात्रों को मोहम्मद की हत्या के आरोप में हिरासत में लिया। मोहम्मद के परिवार वालों का बस अब यही कहना है कि उसके हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। मगर सवाल यहाँ ये है कि हमारे देश का कानून क्या अब इतना ढीला पड़ चुका है कि अब कोई भी कानून के नियमों के साथ खिलवाड़ करेगा, लोगों की जान लेने का उन्हें अधिकार मिल जाएगा? खैर, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बोल दिया गया कि कोई हॉस्टल है और कोई भीमनाग कोई मिठाई दुकान है। एक्चुअली भीमनाग दुकान मेरा कोई स्टाफ पहले पता किया कि यहाँ पर ही कोई हॉस्टल है, तो वहाँ जाने के बाद यही हुआ। उससे मेरे लड़का से काफी आर्ग्यूमेंट हुआ हॉस्टल पहुंचने के बाद, क्योंकि उन लोग ऑलरेडी गेट लगा चुका था, किसी को अंदर जाने नहीं दे रहा था। उन लोगों का भी एक ही चीज था, पहले मेरा 10,000 रुपए दो या तो फिर मेरा मोबाइल लेके आओ। तो तब इंसिडेंट पता चला कि यहाँ पे कुछ मोबाइल चोरी हुआ था 1 दिन पहले, उन लोगों ने नहीं बताया। तो उसी शक पे इसको आज इन लोग पकड़ा है, पर जबकि ऐसा कुछ लेना देना नहीं उसके चोरी से। जिन लोगों ने पीटा है साथ को, वो कौन थे, मतलब क्या हॉस्टल के ही? वो एक उदयन हॉस्टल है, उन लोग वहाँ पढ़ता है, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं और ना ही इरशाद का लेना देना। सब एजुकेटेड लड़का लोग है। और ये एक्चुअली ये SC ST का ये है। SC ST के सुबह 12:30 के करीब एक लड़का आया, बोला वो बहु बाजार में मोबाइल चोरी किया है, उसको पकड़ के रखा है। बस यही बोला। उसके बाद हम उसके घर में खबर किए, ऐसा ऐसा बात है। तो उसका बहन बोली ठीक है, हम इमरान भाई को फोन कर रहे उसका। उसके बाद हम लोग नमाज पढ़ने चल गए, आज जुमा था, नमाज पढ़ने चल गए। फिर 3 बजे जुमा बाद उनका ओनर, दुकान का ओनर आए, वो बोले कि इसका आधार कार्ड लगेगा, हॉस्पिटल में भर्ती, इसको बहुत चोट लगा। तो उनका बहन निकाल के दी उनको आधार कार्ड। उसके बाद उनको फोन आया कि वो चिल्ला कर उठे, फोन आया तो वो चिल्लाए, तो फिर बाहर निकले वो बोले फिर हम लोग को साथ डेट कर गए। हम लोग का यही मांग है कि उसको इंसाफ दिया जाए। उसका दो बच्चा है, बीबी है, एक बहन है, वही कमा के खिलाता था। क्या काम करते थे?
वो इसमें हेल्पर ही करता था, टीवी मैकेनिक का हेल्पर था चांदनी चौक में। तो मांग क्या कहेंगे, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 15-20 लोगों ने उन्हें बेरहमी से पीटा है। हाँ, तो उसके बाद वो लोग कहाँ है? वो लोग तो अभी अंदर में है, पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार करके रखी है भीतर। FIR अभी हुआ, हम लोग 3 बजे से बैठे हुए, अभी FIR हुआ।